हेलो दोस्तों, बाइकर एमजे के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास 2021 मॉडल स्टार सिटी प्लस है और इसका मैं रिव्यू करने वाला हूं प्राइस के साथ, माइलेज के साथ, 2021 में क्या चेंजेस हुआ है और क्या इसमें प्राइस में कम ज़्यादा क्या चीज़ें हुई है। तो सारी डिटेल्स आप देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमजे खान। तो दोस्तों, यहां पर हम स्टार सिटी प्लस देखेंगे आप टीवीएस और इसका मैं करने वाला हूं रिव्यू। पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं दोस्तों। तो क्या चेंजेस हुआ है, क्या इसका माइलेज है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको इसमें दिखेगा जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर फुल LED हेडलैम्प आपको मिलता है, फुल LED हेडलाइट मिलता है फ्रंट से आप देखेंगे। और वाइजर पर अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पर स्टिकर पर नज़र डालेंगे तो स्टिकर भी काफ़ी अच्छा है। ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी स्टाइलिश लुक इसको कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएगा और यहाँ पर TVS की ब्रांडिंग की गई है जो कि यहाँ पर क्रोम पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद हेडलाइट आपको पूरी LED लाइट मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर अगर इंडिकेटर पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे हैं। दोनों इंडिकेटर्स आपको बल्ब पर ही मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर फ्रंट से हम यहाँ पर बात करेंगे सस्पेंशन के, तो सस्पेंशन काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। और यहाँ पर आपको मिलेगा सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो काफ़ी बेहतरीन है और सस्पेंशन भी काफ़ी बेहतर है। अगर इसके हम ब्रेकिंग बात करें तो यहाँ पर ब्रेकिंग हमने आपको बताया कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यानी कि फ्रंट के साथ रियर भी आपका काम करेगा। डरम ब्रेक आपको मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा, 2/75-17 का ट्यूबलेस वाले रिंग मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 इंच के यहाँ पर आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो टायर काफ़ी खूबसूरत है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो ब्रेकिंग और जो है इसका टायर और सस्पेंशन काफ़ी बेहतर है फ्रंट से। उसके अगर मडगार्ड पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर मिलेगा और ब्लैक आपको रिफ्लेक्टर के साथ नीचे कम पोजीशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं रियर में, तो रियर में क्या मिलता है दोस्तों। रियर में भी हमें आपको डरम ब्रेक ही मिलता है दोस्तों। यहाँ पर डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलता है, डरम ब्रेक मिलता है। वही यहाँ पर टायर देखेंगे तो ग्रिप वाले काफ़ी अच्छे दोस्तों, ग्रिप है, ड्यूरा ग्रिप है, यानी कि ग्रिप काफ़ी बड़ा है। TVS के यहाँ पर टायर आपको ट्यूबलेस वाले दोस्तों दिए गए हैं जिसका साइज़ है 3/0/0/17 यानी कि 3/0/17 का यहाँ पर टायर दिया गया है दोस्तों। और ट्यूबलेस और ड्रम ब्रेक आपको रियर में भी मिल जाएगा। अब अगर ये बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन दोस्तों यहाँ पर 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक उस पर, यानी कि यहाँ पर एडजस्टेबल है 5-स्टेप एडजस्टेबल, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो स्टार सिटी प्लस की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से क्रोम में किया गया है। और वाइजर पर अगर नज़र डालेंगे तो इस तरीके से कुछ वाइजर्स आपका दिखेगा जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और रियर वाले पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन आपको मिलेगा। पीछे की अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो पीछे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि इंडिकेटर आपके वही बल्ब वाले मिलेंगे चारों, और टेल लाइट आपको बल्ब पर ही मिल जाएगी जो इस तरीके से कुछ खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट बंधेगा और यहाँ से आपकी लाइट जलेगी, रात में बहुत ही खूबसूरत लगती है। बम्पर पर भी आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बाइक पीछे से दिखने में लगती है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों से ग्रेवरल की, तो ग्रेवरल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है जो काफ़ी बेहतरीन है, सुटेबल है। और सीटिंग कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर सीट है और काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल सीट कवर रेक्टेंगल का यहाँ पर लेदर के तरीके से दिया गया है जो दो कलर में है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दो सवारी आप आराम से इस पर बैठ सकते हो, एक लेडीज एक जेंट्स, तीन सवारी आप करना चाहें तभी कर सकते हैं क्योंकि सीट काफ़ी यहाँ पर आप देखेंगे तो बराबर में दिख रही है, बेहतर अच्छी है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साइड की, तो यहाँ पर भी आपको स्टार सिटी प्लस आपको लेफ्ट साइड में भी मिल जाएगा और यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से स्टार लिखा हुआ यहाँ पर किया गया है। सस्पेंशन 5-स्टेप एडजस्टेबल डबल शॉकर यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका वाइजर है ये फाइबर पर है जो काफ़ी अच्छा है, आपका चेन आवाज़ नहीं करेगा, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपका सारी गार्ड लगेगा, अभी आप जो खरीदेंगे तो यहाँ पर वाला बंधेगा। यहाँ से देखेंगे आप यहाँ पर चाबी लग के ये सीट आपकी खुल जाएगी, काफ़ी बेहतरीन है। अब हम इसके बात करते हैं दोस्तों इंजन की, तो इंजन की बात करें दोस्तों तो 109.7 cc का 7000 RPM पर इसका पावर है और टार्क इसका जो है 5000 है और चार गियर में 109.7 cc की बाइक है। और इसका अगर हम माइलेज की बात करें तो माइलेज दोस्तों मान के चलिए कि 65+ यानी कि 70 से कम एवरेज इस बाइक का नहीं है, क्योंकि इंजन यहाँ पर आप देखेंगे तो ETFI लिखा हुआ मिलेगा जो कि इको थ्रस्ट है, जो कि मान के चलिए कि पावर यानी कि जैसे कि अगर एक्सीलेटर आप मान के चलिए कि 20 mm लेते हैं तो आपकी स्पीड जैसे जहाँ 40 होती थी या 50 होगी उतने ही एक्सीलेटर पर, इसलिए यहाँ पर इसमें पावरफुल इंजन और माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और चार गियर आपको मिलेगा। TVS की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर
किया गया है और सेल्फ यहाँ पर लगा हुआ है, सेल्फ और किक दोनों स्टार्ट मिलेगी। अब बात करते हैं इसके टैंक की दोस्तों, तो टैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैंक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। टैंक का लुक आप देखेंगे तो लेफ्ट से इस साइड दिखेगा, अपर से आप देखेंगे तो अपर से आपको इस साइड में दिखेगा, जो काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। दोनों साइड में आपको दिखाता हूँ और इसका टैंक साइड आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर टैंक आपको मिलेगा। और टैंक पर यहाँ पर TVS की ब्रांडिंग की गई है क्रोम में, और यहाँ पर टैंक का जो कैफ है ये इस तरीके से आपको मिलेगा दोस्तों। अब इसके हम बात करते हैं दोस्तों टैंक की, जो है